मौनी अमावस्या पर शनिवार को हजारों श्रद्धालुओं ने राप्ती नदी में गंगा स्नान किया। आपको बता दें कि गोरखपुर और आसपास के घाटों पर भी श्रद्धालु नदी में नहाकर पुण्य प्राप्त किया। जनपद के अधिकांश नदियों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने नदी में श्रद्धा की डुबकी लगाने के बाद दान पुण्य किया। इसके अलावा कुछ महिलाओं ने गंगा मैया के नाम पर नदी के किनारे कढ़ाई भी चढ़ाया तथा गाय बछिया का दान कर मंगल कामना की। इसके अलावा नदी किनारे बाबू मेला लगा था, जहाँ पर श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद मेले में पहुंचकर चना जलेबी समोसे और पकौड़े को खाकर उनका जायका लिया और मेले में घरेलू सामानों की जमकर खरीदारी की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालु मधुसूदन कुमार शर्मा, अभिषेक मिश्रा और पुजारी अभिषेक पांडे अभिमन्यु शुक्ला ने कहा। गंगा स्नानम अपन नौले हिल जाए, अपन नौले हिल जाए, अनुनाम मानस से सकल पाप सकल ग्रह सकल दोष नहीं बीतते, हम कृष्ण माखुर दिया जाता हनुमान को मालूम माघ मास से मास लांग थाउन सभी मास में इतने गोरखपुर क्षेत्र में गंगा स्नान अपन नौले हिल जाए अनुनाम मानस विष्णु खाने अपन नाम नहीं ले लिया, अपन अमुख नाम जजमानस है, अमुख गोत्र है, अन्नदान गौ दान भगवान देखिए पूर्वान धारा बापा ने संसार सारम मुलगेंद्र हरम नाम संप्रदान विंदे धर्म भवानी के तंगमान के नाम संप्रदान के नाम 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 लाइन इसका भक्ति।
अरे रुक जाए खाली भी मसूर कुमार शर्मा और मोनी अनस्या के ऑर्डर का स्नान करने आए हैं। कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा, गोर से लग रही है, धूमधाम है, देखने में अच्छा लग रहा है, बड़ा का लगा हुआ है। हम तो इलाहाबाद जा रहे थे, फिर इस बार नहीं जाएंगे, इस बार हम नहीं आएंगे। हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, हर मौसम में आते हैं, हमें अच्छा लगता है। पहले कोई व्यवस्था नहीं था, हर व्यवस्था हो गया है। इस बार का क्या मान्यता है? अरे मानता है, जो गंगा जी मांगते हैं उनसे पूरा हो जाता है। कहाँ से आए हैं? आए हैं एक गांव बखरा है, खजूर बगल में आए हैं। अभिषेक कुमार मिश्रा और नानी अमावस्या का पर्व है, यहाँ पे स्नान करने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा पर्व है। यहाँ पे नानी अमावस्या के ही स्नान करने से कुछ जो शांत होते हैं, और इसी नाते हम यहाँ पे स्नान करने भी आए हैं। क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ की मान्यता है कि जो यहाँ के करीब के लोग हैं वो थोड़ा सा अगर इसको बढ़ावा देते तो शायद और भी अच्छा महोत्सव हमारे यहाँ ये हो पाता, लेकिन लोगों का अभी करीब के लोगों का ध्यान नहीं है, दूर से लेकर आकर स्नान यहाँ के करते हैं। कहाँ पे आए हैं? आजाद नगर से, आजाद नगर बस्तरपुर से। हमारा नाम अभिमन्यु शुक्ला। अभिमन्यु अमावस्या है, लोग यहाँ स्नान करने हैं, किस तरह की मान्यता है? यहाँ बहुत अच्छा मान्यता है, संत कांतरी का, गंगा मैया का कंठ है। यहाँ पर अपना सब लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं, स्नान बनाते हैं, गौ दान करते हैं, ब्राह्मण को दान करते हैं, अपना घर जाते हैं, बाल बच्चे को पालन का बढ़ते रहते हैं। यहाँ का व्यवस्था सही है, योगी जी की सरकार है, बढ़िया व्यवस्था है, ऐसा ही व्यवस्था होना ही चाहिए। हम ये देख रहे हैं गौ दान किया जा रहा है, इसकी गौ दान की क्या मानता है? गौ दान का महानता ये है कि बैतरणी यही पार करवाती है, गौ माता यही आदमी का सबका पार करती है, गंगा ही गौ ब्राह्मण यही तीन सबको दान करते हैं, दान लेते हैं, दान कराते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, और क्या करते हैं। स्नान करने का समय क्या होता है? बढ़िया समय होता है, भगवान का समय होता है, सूर्य देवता का समय होता है, गंगा माता का उस समय होता है कि अपना दुख पाप सब दूर होता है, कष्ट कटता है, बाल बच्चे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, विद्वान होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शिक्षित होते हैं, बड़े पोस्ट पर जाते हैं, बड़े पोस्ट पर रहते हैं। जो जितना करता है उतना ही पाता है, जत कर्मी तक वो बताता, नव जात के बताता। हम ब्राह्मण क्या जो जानेंगे वही कराएंगे और वही बताएंगे। महाराज अभिषेक पांडे नाम है। और नौनी ऐसा है पर्व है, लोग यहाँ स्नान करने आए हुए हैं जी, क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ का एक ऐसा मान्यता है जो बहुत ही सदियों पहले यहाँ पे माँ गंगा का जो प्रभाव चल रहा है हमारे इस राजघाट के अंतर्गत में, और इस नाम से सारे लोगों का जो भी मनोकामना होता है वो माँ गंगा पूर्ण करती है, और हर तरह से हर इनका मनोकामना पूर्ण भी होता है, और बहुत ही पौराणिक ये स्थान है, और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से अपना स्नान करके अपने सारे दुख दलिद्र को दूर करते हैं, और माँ गंगा उनके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। गौ दान का एक ऐसा महत्व है जो वेदों में दिया गया है कि गौ दान से एक बैतरणी पार करने का एक जरिया होता है। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग अपने पुराने लोगों के द्वारा जैसे भी उनकी पुरखात अपना गौदान वगैरह कराते रहते थे उस हिसाब से अपना गौदान करते हैं, और अपना भगवान का जो भी स्मरण करना होता है स्मरण करते हैं, गंगा मैया से अपना प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा मैया हमारे गर्व कष्ट को दूर करो, हमें शरीर से पुष्ट करो, सदा सुखी रखो, ऐसा वरदान मांगकर अपना गौदान ये लोग करते और कराते हैं। कहाँ से आए? हम रुद्रपुर से आए हैं।